guys and welcome to all in COVID train. So guys, as we have discussed about the math module in the earliest video, so now in this video we are going to be discussing about the examples that we have discussed in the previous video. So watch video till end for all of the functions that we are going to do today. So starting with the function number one, that is minimum and maximum function in math module. So guys, जैसे कि मैंने कहा था, मैं minimum और maximum function को use कर सकती हूँ without the importing of math module. ये कैसे करते हैं, देखो ध्यान से. x is equals to, ठीक है, हमने लिखा x is equals to, then parenthesis में मैंने लिखा है 5, 8, 9, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे लिखूँगी दूसरा वेरिएबल y is equals to. देखा आपने, मैंने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मिनिमम, ठीक है. अब हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम, देन हम लिखेंगे 9, मैक्सिमम हम भी वही सेम वैल्यू लिखते हैं 5, 8, 9, ओके. इसी में से हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों मिलेगी. अब इन दोनों को हम करा देंगे प्रिंट, एक साथ करा देते हैं गाइस, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो हो ही वैसे भी, ठीक है. तो इतना तो हो गया है, ओके. सो ये मैंने x एंड y को प्रिंट करा लिया है यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया है मैंने प्रिंट x y. अब इसको करते हैं रन, एक बार देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है. देखो गाइस, 5 and 9, 5 लोएस्ट था, लोएस्ट वैल्यू आ गई है, एंड 9 हमारा हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल गई है. जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू मिलती है एंड मिनिमम से हमें लोएस्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है. सो अभी क्योंकि हमने इसको यूज़ किया है, तो अभी हम जितने वेरिएबल्स बनाएंगे वो एक्स एंड वाई नेम से नहीं होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से वेरिएबल्स होंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट आते हैं पावर फंक्शन पे. जैसे कि आपको पता है कि पावर फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जेड इक्वल्स टू, लिखेंगे पावर, एंड देन हमें यहाँ पे नंबर देख लेंगे 2, 2, ठीक है. हमने 2, 2 लिखा है. अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली इसको मैं प्रिंट कर दूँगी, जेड लिख दूंगी, एंड मेरे यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होके आ जाएगा. सो देखते हैं गाइस पावर कितना निकलता है, 2 to the power 2 का कितना हमारा पावर होता है. सो 4 आना चाहिए. सो 4 आ गया, मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है. जो भी हम चाहते हैं प्रिंट कराना, वो हमारा प्रिंट एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं प्रिंट, ठीक है गाइस. सो आते हैं नेक्स्ट वे. आपको मैंने बताया था फैक्टोरियल इन द स्क्वायर रूट, तो अब निकालते हैं फैक्टोरियल. अब मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाती हूँ, देखो मैथ डॉट फैक्टोरियल, ठीक है. आपको जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज़ मैथ डॉट फैक्टोरियल के साथ जो फंक्शन लिखते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें. बट देखा अभी आपने कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कहीं पे भी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया है, और मैं इसको ऐसा ही कर रही हूँ यूज़. देखते हैं फैक्टोरियल वाला फंक्शन चलता है या नहीं, ठीक है. सो मेरे पास क्या आ रहा है, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड इन द लाइन नंबर 7. जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको याद हो कल की वीडियो मैंने कहा था, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था ये चीज़ कि मैथ मॉड्यूल जिसके साथ मैंने मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखा है उसको मैं विदाउट इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल को, इम्पोर्ट मैथ, ओके. एंड अब इसको करते हैं रन. सो कुछ आउटपुट नहीं आया फैक्टोरियल, बिकॉज मैंने प्रिंट तो कर लिया फैक्टोरियल, लिख तो दिया मैंने, बट मैंने कहीं प्रिंट तो नहीं किया. प्रिंट तो कराना होता है स्पेशली बेसिकली. तो यहाँ लिखते हैं टी इज़ इक्वल्स टू, ठीक है गाइस. एंड अब मैं इस टी को प्रिंट करा लूँगी, जैसे मैंने बाकी वेरिएबल्स को कराया है प्रिंट टी. सो मेरे पास यहाँ फैक्टोरियल 7 का निकल के आ जाएगा, देखते हैं एक बार. सो 7 का फैक्टोरियल निकल के आ गया है 5040, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने सारे इम्पोर्ट मैथ के फंक्शंस को यूज़ करेंगे. अब मैथ को हमने इम्पोर्ट कर लिया, अब यूज़ करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट यूज़ करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी वैल्यू का. तो वो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से. ओ इज इक्वल्स टू, गाइस मैं वेरिएबल किसी भी नेम से क्रिएट कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही क्रिएट कर लेना, बट मेक श्योर कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए जो आप कुछ भी वेरिएबल बना रहे हो. तो स्क्वायर रूट लिखा मैंने, यहाँ पे नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया मैंने, स्क्वायर रूट 2 का चाहिए मेरे को, हम चलो 5 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ डिफरेंस है नंबर है. अब मैं इसे सिंपली कर दूंगी प्रिंट ओ, ठीक है गाइस. सो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट भी प्रिंट होके आ जाएगा. अब इसको करते हैं रन, देखते हैं स्क्वायर रूट कितना आता है. तो 2.236 समथिंग आ गया. तो जो 5 और 9 वाली वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, 4 इज़ अ स्क्वायर रूट एंड द 5040 इज़ अ फैक्टोरियल एंड 2.2360 इज़ अ फैक्टोरियल एंड 4 के था पावर था, ठीक है. तो गाइस इतनी चीज़ें अब तक हमने कर ली हैं प्रिंट बाय यूजिंग द
मॉड्यूल एंड नॉट बाय यूजिंग द मॉड्यूल। ठीक है, तो गाइस इतनी चीज़ तो आई होप आपको क्लियर हो ही गई होंगी, जितना चीज़ें अभी हमने किया है वो बहुत ही बिल्कुल बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्म में था। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करना। ठीक है, एंड सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विथ गो विथ फ्रेंड एंड कीप कोडिंग विथ पाइथन।